बिहार के पूर्णिया जिले में एक स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई। शनिवार को हुए इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है। घटना पूर्णिया जिले के वायसी अनुमंडल के अनगढ़ ओपी के कंजिया मंडल स्कूल के पास हुई। हादसे की जानकारी पर वायसी SDM कुमारी तोशी ने बताया, हादसे के शिकार हुए सभी लोग तिलक चढ़ाने के बाद रात को ही खपड़ा ताराबाड़ी से अपने गांव वापस किशनगंज जिले नूनिया गांव जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। उधर पटना के दानापुर में एक तेज रफ्तार टैंकर ने 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्णिया हादसे के बाद स्कॉर्पियो से 9 शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कंजिया के मुखिया समरेंद्र घोष के मुताबिक रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हादसा हुआ। स्कॉर्पियो के तालाब में गिरने की वजह तीखा मोड़ बताया जा रहा है। मोड़ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कंट्रोल नहीं हुई और तालाब में जा गिरी, जिसके बाद लोगों की मौत हो गई।